राम, मैं पंडित एस के मिश्र इस वीडियो में एक अनोखा प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बसिका का एक ऐसा प्रयोग जिसके माध्यम से किसी के कपड़ों में अगर कोई युवती है तो उसकी साड़ी में या ओढ़नी में या उसके कपड़ों में बस उसको टच कर दीजिए, या यदि कोई पुरुष है तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मैं जो बता रहा हूँ उसके कपड़ों में स्पर्श करा दें, फिर देखिए चमत्कार, वह तुरंत ही आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। कपड़ों में लगाने से ही वशीकरण हो जाएगा किसी का भी, चाहे वह युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, किसी का भी आप वशीकरण कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखना है और उसको लिखने के बाद अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए युवती या युवक के कपड़ों में आप लगा दें, अति शीघ्र वह आपके सम्मोहन पास में, वशीकरण पास में बंध जाएगा या बंध जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप किसी को भी, जी हाँ, आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए इस प्रकार के प्रयोग का कदापि दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने के नियत से, चीट करने के नियत से, किसी को धोखा या क्षति पहुंचाने के नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। अगर किसी से आप सच्चा प्रेम करते हैं, हर तरह से उसको पाना चाहते हैं, वहाँ इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में दूरियाँ बढ़ते बढ़ते, बात बिगड़ते बिगड़ते तलाक तक की नौबत आ गई है या ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, वहाँ इसका प्रयोग करके देखिएगा चमत्कार, आपके रिश्तों में पुनः पहले जैसा प्रेम व्याप्त हो जाएगा, प्रगाढ़ता पहले जैसी आ जाएगी या पहले से भी अच्छी प्रगाढ़ता आ जाएगी। या किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं, वन साइडेड लव करते हैं, तो अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके उसके कपड़ों में इसको लगा दीजिए, फिर देखिए वह आपके बस में हो जाएगी या बस में हो जाएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं या जा रही हैं तो अपनी एनर्जी को भली भांत समझना होगा, रीड करना होगा, आपके अंदर वशीकरण पावर कितना है उसको जानना होगा। अगर वशीकरण पावर का अभाव है तो प्रयत्न करके उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। इसके लिए अनेकों साधनाएं हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया भी है जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ उसको एक एक स्टेप द्वारा समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम आपको किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो। आपका मुख उत्तर या पूर्व करना है और अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करिए, प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर जो यंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, सुने और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, चार लाइन ऊपर और चार लाइन नीचे खींचना है। कुल 16 खाने होते हैं। एक एक खाने में आपको जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर लिखा है 44, फिर 47, फिर 86, फिर 3, फिर 83, फिर ट्रिक का निशान है 4 लिखा गया है, फिर 18 लिखा है, फिर ट्रिक का निशान है 2 लिखा गया है, फिर 24 है, 87 है, फिर 26 है, फिर 28 है, फिर 33, फिर 51, फिर 58, फिर 11। कैसे लिखना है जरा ये भी ध्यान दीजिएगा।
ये जो यंत्र है उसको लाल रंग के कागज पर चंदन से लिखकर, चंदन में थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल डाल देंगे तो उसकी स्याही बन जाएगी, किसी भी कलम से चाहे अनार की या चमेली की, जब यंत्र लिख लें तो उसको गुलाब के इत्र में डुबो देना है। फिर जिस स्त्री या पुरुष को अपने बस में करना चाहते हैं उसकी साड़ी या किसी कपड़े में इस यंत्र को किसी भी प्रकार अथवा पीन द्वारा लगा देवें तो वह स्त्री या पुरुष साधक के बस में हो जाती है, उसके कपड़ों में लगाने से उसका वशीकरण हो जाता है। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है, पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।